अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पीनट बटर। तो यहाँ पर हमने लिया मूंगफली यानी पीनट्स। पीनट्स को हम अच्छे से सेक लेंगे और आज की वीडियो में हम जानेंगे मूंगफली से हमें कितने फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही हेल्दी टिप्स मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं मूंगफली खाने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। मूंगफली को प्रोटीन का सस्ता स्रोत माना जाता है, कुछ लोग इसे बादाम भी कहते हैं। मूंगफली में पर्याप्त मात्रा में आयरन, कैल्शियम और जिंक पाया जाता है। मूंगफली विटामिन ई और विटामिन बी से भरपूर होता है। मूंगफली ज़मीन के अंदर उगाई जाती है। मूंगफली का मूल स्थान ब्राज़ील या पेरू माना जाता है, जहाँ पर धार्मिक रीति के अंतकृत सूर्य देव के अर्पित करने के लिए सबसे पहली बार जंगली मूंगफली की खेती की गई थी। मूंगफली में प्रोटीन, तेल और फाइबर प्रचुरता में मौजूद होता है। मूंगफली न केवल सेहत के लिए लाभकारी होती है, बल्कि इसका स्वाद भी लोगों को बहुत पसंद आता है। इसके अलावा मूंगफली में पॉलीफेनॉल, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। मूंगफली को रेस्वेराट्रोल, फेनोलिक एसिड, फ्लेवेनॉइड्स और फाइटोस्टेरॉल का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। ये सभी मिलकर भोजन से मिलने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोक देते हैं और दिल को स्वस्थ रखते हैं। मूंगफली से तेल भी बनाया जाता है और इसके अलावा पीनट बटर, मिठाई, भुनी हुई मूंगफली, स्नैक, सूप आदि भी मूंगफली का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आज हम पीनट बटर बना रहे हैं। दक्षिण अमेरिका में लोग 3500 वर्ष पहले मूंगफली के आकार के मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। विश्व में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है और इससे बाद भारत का नाम आता है। भारत में गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है और इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का नाम आता है। मूंगफली में मौजूद मैंगनीज रक्त में कैल्शियम और अवशोषण, फैट और कार्बोहाइड्रेट, चयापचय और शक्करा के स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है। रोज़ खाना खाने के बाद 50 ग्राम मूंगफली खाने से आपकी बॉडी का ब्लड रेशो इंक्रीज हो सकता है। मैंगनीज, फैट और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को बढ़ाता है, जिसकी मदद से यह मांसपेशियों और लीवर की कोशिकाओं में ग्लूकोज प्रवेश करता है। एक अध्ययन के अनुसार मूंगफली का सेवन मधुमेह के जोखिम को 21% तक कम कर सकता है। मूंगफली सर्दी जुकाम के लिए बहुत लाभदायक है। अगर आप सर्दी के मौसम में मूंगफली खाएंगे तो आपका शरीर गर्म रहेगा। यह खांसी में उपयोगी है, वह फेफड़े को मजबूत करती है। मूंगफली में मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। मूंगफली में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए फायदेमंद है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का अधिक स्तर शामिल है, जो सेकल्प को मजबूत और बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए मदद करता है। मूंगफली एक एलआरजिन का बहुत अच्छा स्रोत है। यह एक अमीनो एसिड है जो पुरुष में गंजेपन के इलाज के लिए बहुत उपयोगी है और स्वस्थ बालों के विकास के प्रोत्साहित करता है। मूंगफली के सूजन कम करने वाले गुण सोराइसिस और एक्जेमा जैसे तत्व रोगों का इलाज करते हैं। मूंगफली के में मौजूद फैटी एसिड भी सूजन और तत्व की लालिमा को कम करता है। मूंगफली में मौजूद फाइबर प्रसाधित पदार्थों और कचरे को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। शरीर के अंदर विषात्व पदार्थ त्वचा पर डलनेस और अतिरिक्त तेल का कारण होता है। नियमित रूप से मूंगफली का भोजन के स्वरूप में सेवन आपको एक स्वस्थ त्वचा देने में मदद करता है।
मैग्नीशियम से भरपूर मूंगफली हमारे तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को शांत करके त्वचा के लिए बेहतर रक्त प्रवाह प्रदान करती है, जिससे आपको एक युवा और स्वस्थ त्वचा मिलती है। मूंगफली में पाए जाने वाला बीटा कैरोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीनट के फ़ायदे वज़न करने के लिए। मूंगफली वज़न कम करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। मूंगफली में प्रोटीन और फाइबर होते हैं। ये दोनों पोषक तत्व भूख को कम करने में प्रभावित है, इसलिए भोजन के बीच में कुछ मूंगफली खाने से आपकी भूख कम हो सकती है, जिससे वज़न कम करने में मदद मिल सकती है। रोज़ाना मूंगफली का सेवन करने से जल्द ही वज़न कम होने लगता है। शरीर में सेरोटोनिन का कम स्तर अवसाद जैसे समस्या उत्पन्न कर सकता है। मूंगफली में मौजूद ट्रिप्टोफैन इस रसायन को निकालने में मदद करता है, और इस प्रकार यह आपको अवसाद से लड़ने में मदद करता है। मूंगफली के स्वास्थ्य लाभ आप कई प्रकार से उठा सकते हैं। खतरनाक बीमारियों को दूर रखने और स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक सप्ताह 2 बड़े चम्मच मूंगफली के मक्खन का सेवन करें। मूंगफली में पॉलीफेनोलिक नामक एंटीऑक्सीडेंट की अधिक मात्रा मौजूद होती है। पी कॉमरिक एसिड में पेट के कैंसर के जोखिम को कम करने की क्षमता होती है। मूंगफली विशेष रूप में महिलाओं में पेट के कैंसर को कम कर सकती है। 2 चम्मच मूंगफली के मक्खन का काम से कम सप्ताह में 2 बार सेवन करने से महिलाओं और पुरुषों में पेट के कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। यह महिलाओं के लिए मूंगफली के सबसे अच्छे लाभों में से एक है। तो यहाँ पर हमने सारी मूंगफली को हल्का हल्का सा मसाला है, इस तरह मले कि इसकी स्किन सारी निकल जाए। हम इसकी स्किन को अलग कर लेंगे इससे। किसी भी प्रकार से मूंगफली का सेवन करना अल्जाइमर जैसे बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकता है। उबली हुई या भुनी हुई मूंगफली ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि इसे रिजर्वेरोल के स्तर को बढ़ा देती है। यहाँ पर हमने एक जार लिया है, जार में हम डालेंगे सारी मूंगफली। मूंगफली का अधिक मात्रा में सेवन करने से एलर्जी भी हो सकती है, जो कई बार मौत का कारण बन सकती है। तो हमें चाहिए कि हमें मूंगफली का अधिक इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने सारी मूंगफली ले लिया है। अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मूंगफली की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में ही किया जाता है। पर ध्यान रखें कि नियमित रूप से ही इसका सेवन करें। मूंगफली का अधिक मात्रा में सेवन आपके शरीर में अन्य प्रकार के समस्याएं उत्पादन करता है। यहाँ पर हमने सब ग्राइंड कर लिया है इसे अच्छी तरह से, और अब इसे हम देखेंगे कि हमारी मूंगफली अच्छी तरह से पिस चुकी है या नहीं। तो देखिए, ये भी और पिसना चाहिए। तो चलिए इसे फिर से ढक कर हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे और थोड़ा सा नमक। और थोड़ा हम इसमें डालेंगे बटर। तो यहाँ पर मैंने बटर इसमें डाल दिया है। तो चलिए अब इसे ढककर हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे।
ये हमारा ग्राइंड हो चुका है, चलिए देखते हैं हम इसे। ये देखिए हमारा पीनट बटर बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसमें विनेगर का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि आपके पास ज़्यादा दिन तक चल सके। तो देखिए हम यहाँ पर इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी ये हेल्दी टिप पसंद आई तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हेल्दी टिप्स के साथ। जब तक के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।